दोस्तों व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं और व्हाट्सएप में किसी का भी नंबर आपको सेव करना है नया नंबर तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख लेंगे जो भी नंबर आपका मोबाइल में सेव होगा उसमें से है तो ठीक है, नहीं तो अगर नया नंबर सेव करना है तो यहाँ न्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट नेम दे देंगे, लास्ट नेम दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे और ईमेल आईडी दे देंगे। अगर ईमेल आईडी आपको चेंज भी करना है तो इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, जो भी आपके मोबाइल में ईमेल होगा सारा यहाँ से शो करेगा। जो भी ईमेल में आप नंबर सेव करना चाहते हैं तो आप नंबर सेव कर लीजिएगा। ईमेल में नंबर सेव करने से फायदा यही है कि कभी भी आप डिलीट भी कर दीजिएगा तो आपका नंबर सेव रहेगा। वो सारा कुछ भरने के बाद यहाँ सेव पे जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका व्हाट्सएप में नंबर सेव हो गया। तो इस ढंग से अपना व्हाट्सएप में आराम से आप नंबर सेव करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, यहाँ से थ्री लाइन के ऊपर में आना है और यहाँ रिफ्रेश के ऊपर में क्लिक कर लेना है तो वो नंबर आपका यहाँ से दिखने लगेगा। उसके बाद उस नंबर को कहीं भी यूज कीजिए, चैटिंग कीजिए, जो करना है कर सकते हैं। तो इस ढंग से अपने व्हाट्सएप में आप नया नंबर सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा तो जाते हुए मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में।